Hey guys, so कैसे हैं आप लोग। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2022 में जो वर्ल्ड वाइड हैंडसम बने हैं उनमें BTS के किन किन मेंबर्स का नाम शामिल है। वेल, मैं आपको यहाँ पे एक टाउटिंग मूवमेंट बता दूँ, वो ये होने वाली है कि इसमें ना इंडियन एक्ट्रेस का भी नाम शामिल है। एंड इतना ही नहीं गाइज, 1, 2, 3 यस, थर्ड पोजिशन पे एक इंडियन एक्ट्रेस का नाम है, जो कि एक बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट है इंडियन BTS फैंस के लिए। आखिर इसके बहाने से भी BTS इंडियन गर्ल्स को तो देख पाएंगे ना। ओके, सो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। सो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2021 में जंगकुक वर्ल्ड वाइड हैंडसम के खिताब को जीते थे, मींस वो फर्स्ट पोजीशन पे आए थे, है ना। एंड थर्ड पोजीशन पे आए थे हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम यानी कि सिंगोंग जिन, लेकिन किम तैयोंग कौन से पोजीशन पे आए थे ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। एंड इस बात से जितने भी फैंस थे, जितने भी आर्मीज थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। एंड यस, आप में से क्यूटी पाई ने मुझे कमेंट भी किया है कि दी जब जंगकुक वर्ल्ड वाइड हैंडसम बने थे 2021 में, तब तो आपने वीडियो बना दिया था, लेकिन अभी आपने क्यों नहीं बनाया। सो यस, मैंने आपको बताया था कि आई वॉज नॉट वेल, तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पाई। वेल गाइज, मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है सभी आपको टाइम टू टाइम दे पाऊँ। वेल, आप भी समझो। सो गाइज, 50 लोगों का लिस्ट निकला जिसमें दिखाया गया था कि जो वर्ल्ड वाइड हैंडसम 2022 है उनमें किन किन लोगों का नाम शामिल है। इसमें के पॉप आइडल्स, के पॉप सेलिब्रिटी के साथ हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी शामिल थे। एंड इतना ही नहीं, हमारे इंडिया की एक्ट्रेस भी शामिल थी। यहाँ पे काफी BTS इंडियन आर्मीज ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है कि जो BTS है वो इंडियन गर्ल्स के बारे में क्या सोचते हैं। एज वी ऑल नो कि BTS अभी तक इंडिया नहीं आए हैं, एंड इंडियन गर्ल के नाम पे बस BTS अभी तक इंडियन इंटरव्यूअर से ही मिल पाए हैं। वेल, आप मुझे उस इंडियन इंटरव्यूअर का नाम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यस, शी इज ब्यूटिफुल। सो अभी जो लिस्ट आई है तो ऑब्वियसली ये तो BTS भी देखेंगे ना, तो वो बाकी लोगों को भी देख पाएंगे, मींस बाकी गर्ल्स को भी देख पाएंगे, उनको पता चलेगा कि इंडिया में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। ओके, जो ये 50 लोगों का लिस्ट है ना, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, वर्ल्ड वाइड हैंडसम 2022 बने हैं, ये है किम तैयोंग BTS के भी। सो अभी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओ वो लोग जो कि लास्ट टाइम बहुत दुखी थे। वेल, आप मुझे कमेंट पे ये बताना मत भूलना कि लास्ट टाइम वी को कौन सा पोजीशन मिला था 2021 में। एंड यस, सेकंड पोजीशन मिला है जंगकुक को, जियोन जंगकुक को, एंड जो कि लास्ट टाइम 2021 में फर्स्ट पोजीशन पे थे। एंड ये बहुत ही अच्छी बात है कि BTS के दो मेंबर्स अभी तक वर्ल्ड वाइड हैंडसम के खिताब को कंटिन्यूअसली जीत रहे हैं, इवन दो जिनने भी लास्ट टाइम जीते थे। तो अगर पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड मिला है दैट्स डजंट मैटर, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि लिस्ट में शामिल है। एंड गाइस, गेस व्हाट, जो थर्ड पोजीशन पे आए हैं वो कौन है, कौन है वो, हॉलीवुड एक्ट्रेस? नो, वो इंडियन एक्ट्रेस है। एंड आप तेजस्विनी को आई थिंक जानते होंगे, जो कि अभी नागिन में आती हैं, जिनको कि थर्ड प्लेस मिला है, मींस वो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है 2022 की। एंड सच में शी इज सो ब्यूटीफुल। सो आप अगर तेजस्विनी को जानते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यस, इस लिस्ट में सहनाज गिल भी शामिल है। सहनाज गिल भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड मैं आपको बता दूं कि सहनाज गिल को 29th पोजीशन मिला है, लेकिन मेन थिंग है कि सहनाज गिल भी इस लिस्ट में शामिल है। सेलेना गोमेज को 23 पोजीशन मिला है। सो गाइस, आपका इस पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आप BTS हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख सकते हो, एंड शॉर्ट्स वाले चैनल पे भी। आप में से काफी लोग कहते हो मुझे कमेंट में कि आप IG इंस्टा यूज नहीं करते हो, तो BTS की जितनी भी स्टोरी है मैं अपने शॉर्ट वाले चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, चाहे BTS हिंदी पे। ओके, सो आपने अगर अभी तक उन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय।